बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शबाना और मैं अपने किचन में जा रही हूँ बनाने कढ़ी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ी हम तीन मसालों से बनाएंगे और इतना टेस्टी बनेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। मैंने एक मिक्सर जार में डाल दिया है, मैंने 100 ग्राम बेसन और 600 ग्राम मेरे पास दही है, मैंने दही भी डाल दिया। इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है। अब कढ़ाई के अंदर हमारा दही और बेसन का मिश्रण डाल देंगे। करीब 2.5 लीटर के करीब पानी हमने डाल दिया है कढ़ी के अंदर। अब इसे चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए हम इसे चम्मच चलाते रहेंगे, नहीं तो गुठलियाँ सी बन जाएगी। आधा कप पानी मैंने और डाल दिया है। कढ़ी में मैंने 3 लीटर पानी डाल दिया है। अब इसे अच्छे से चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। एक मसाले वाला जार लेंगे। 7 से 8 हमारे पास सूखी हुई लाल मिर्च थी, मैंने इसे पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब इसे जार के अंदर डालेंगे और 10-12 हमारे पास लहसुन की कलियां इसे डाल देंगे। 2 टेबल स्पून साबुत जीरा को मैंने पहले से भिगो रखा था, इसे भी छान कर डाल देंगे। 1 से 2 टेबल स्पून पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। साबुत लाल मिर्च, लहसुन और जीरे का मैंने पेस्ट बना लिया है। अब हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून के करीब डालेंगे और चम्मच चलाते हुए इसे एक उबाल आने तक पकाएंगे। गैस का फ्लेम हाई है। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और लगातार चम्मच चलाते रहें। आधे पेस्ट को मैं जब पकौड़ी बनाऊंगी उसके अंदर डालूंगी। कढ़ी को चलाते हुए पकाएंगे और उसी में चम्मच को छोड़ देंगे जिससे कि कढ़ी हमारा उबल के नीचे ना गिरे। कढ़ी को पकने में टाइम लगता है, कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएगा। तो आइए इतने में पकौड़ियों का मिश्रण बना लेते हैं। एक बाउल के अंदर मैंने 150 ग्राम बेसन लिया है, उसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन मिर्च का पेस्ट डालेंगे और 1 बारीक कटी हुई प्याज है उसे डाल देंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च भी काट कर डाल सकते हैं। अजवाइन डालेंगे 1/2 टेबल स्पून के करीब। हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 टेबल स्पून और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार करेंगे, जैसे हम पकौड़ियों का बैटर तैयार करते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर हरा धनिया भी डाल सकते हैं। पकौड़ियों वाला कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बैटर हमारा रेडी हो गया। अब इसके अंदर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। 1/4 टेबल स्पून के करीब सोडा डाल देंगे और इसे चम्मच से चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए अलग रख देंगे और कढ़ी में चम्मच चलाते हुए गाढ़ी होने तक पका लेंगे। दूसरी कढ़ाई में तेल हमारा गर्म हो रहा है। चम्मच को चारों तरफ से चलाएं, नहीं तो साइडों में एक लेयर सी बन जाती है। तो हमें चारों तरफ से ही चम्मच चलाना है, बीच में भी चलाना है। तेल हमारा गर्म हो गया है, बैटर भी हमारा सेट हो गया है। तो अब हम इसे चम्मच से उठाते हुए पकौड़ियों का बना लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं। जितना जगह कढ़ाई के अंदर है उतना हम पकौड़ियाँ डाल देंगे। पकौड़ियों को उलट पुलट कर हमें इसे लाइट ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो है।
इधर कढ़ी में हमारे बॉयल आ गया है और देखिए कितने अच्छे से ये उबल रहा है। चारों तरफ से पकौड़ियाँ हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, तो इसे मैं बाहर निकाल लूँगी। बचे हुए बैटर से और पकौड़ियाँ वो बना लेंगे। कढ़ी हमारी अभी नहीं पकी है, इसलिए पकौड़ियों को अलग रखेंगे। थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी कढ़ी हमारी, तो इसके अंदर पकौड़ियाँ डाल देंगे। हल्के हाथों से चम्मच चलाते रहेंगे। सारी पकौड़ियाँ हमारी बन गई हैं, कढ़ी हमारी बन गई है। अब इसके अंदर पकौड़ियों को डाल देंगे और चम्मच चलाते हुए इसे भी 2 से 3 मिनट पका लेंगे। दूसरे साइड मैंने सरसों के तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर जीरा और साबुत लाल मिर्च 2 से 3 और एक छोटी प्याज बारीक कटी हुई डाल देंगे। एक पिंच के करीब हींग डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप इसके अंदर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं फ्राई प्याज के अंदर। कड़ी में उबाल आ गया है, प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इस तड़के को कड़ी के अंदर डाल देंगे। हल्के हाथों से चम्मच चलाएंगे। कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। कढ़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी कढ़ी हमारी बनी है। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। इसे आप जीरा राइस के साथ खाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।